दोस्तों, साल 2002 में आई फिल्म हमराज तो आप सभी ने देखी होगी, जो कि एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जो कि एक लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसकी कहानी एक डांस ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें प्रिया और करण एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन इसी बीच इस ग्रुप की मुलाकात राज सिंघानिया से हो जाती है जो कि बिजनेस टाइकून है, और उससे भी प्रिया से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद करण इनका रिश्ता तोड़ने की नाकामयाब कोशिशें करता है और हमेशा असफल रहता है। और इस फिल्म की यही कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, जिसके पीछे एक कारण है इस फिल्म में काम कर चुके कलाकारों का, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स और एक्शन के जरिए दर्शकों को अपना दीवाना किया। लेकिन दोस्तों, आप इस फिल्म में नजर आए कलाकारों के बारे में तो ज़्यादातर बातें जान गए होंगे, लेकिन क्या आप इन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में जानते हैं, जिनसे ये कलाकार बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्हीं कलाकारों की तरह इनके लाइफ पार्टनर्स भी काफ़ी सफल हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म में नजर आए इन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से ही रूबरू करवाने वाले हैं। फिर आइए जल्दी से एक एक कर जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो कलाकार और कौन कौन से हैं उनके रियल लाइफ पार्टनर्स। नंबर एक, सुहासिनी मुले। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री सुहासिनी मुले का, जिन्होंने इस फिल्म में राज सिंघानिया की दादी का किरदार बखूबी तरीके से निभाया था, जो कि बिजनेस टाइकून की दादी और सिंघानिया परिवार की मालकिन होती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो आपको बता दें कि इनके पति का नाम अतुल गुरटू है, जिनसे इन्होंने साल 2011 में आर्य समाज में शादी की थी। लेकिन इनके बच्चों से रिलेटेड इंटरनेट पर कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। आपको बताते चले कि इनके पति पेशे से एक बिजनेसमैन है और काफ़ी ज़्यादा सफल हैं। नंबर दो, शीला शर्मा। इस लिस्ट में नाम आता है शीला शर्मा का भी, जिन्होंने इस फिल्म में गुलाबों का किरदार बखूबी तरीके से निभाया। वहीं बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो आपको बता तो चले कि इनके पति का नाम सुभाष शर्मा है, जो कि पेशे से एक राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, जिनसे इन्हें एक बेटी है मदालसा शर्मा, जो कि पेशे से इन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस हैं। नंबर तीन, अक्षय खन्ना। इस लिस्ट में नंबर तीन पर नाम शामिल होता है अभिनेता अक्षय खन्ना का, जिन्होंने इस फिल्म में करण मल्होत्रा का किरदार बखूबी तरीके से निभाया, जो कि प्रिया का प्रेमी होता है और उससे पाने के लिए वो उसके पति से डाइवोर्स कराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो बता दें कि इन्होंने तारा शर्मा से सगाई की थी, लेकिन इनकी सगाई कुछ कारणों के कारण टूट गई और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए, जिसके बाद से इन्होंने कभी शादी नहीं की है। नंबर चार, बॉबी देओल। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है अभिनेता बॉबी देओल का, जिन्होंने इस फिल्म में राज सिंघानिया का किरदार बखूबी तरीके से निभाया, जो प्रिया का पति होता है और उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन अगर बात की जाए उनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो आपको बता दें कि इनके पति का नाम तान्या देओल है, जिनसे इन्होंने शादी की साल 1996 में, जिनसे इन्हें दो बेटे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। नंबर पाँच, अमीषा पटेल। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम लिया जाए तो अभिनेत्री अमीषा पटेल का ही होगा वो नाम, जिन्होंने इस फिल्म में प्रिया का किरदार बखूबी तरीके से निभाया था, जो कि राज सिंघानिया की पत्नी और करण मल्होत्रा की लवर यानी कि उनकी प्रेमिका का किरदार होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और ये अभी अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, लेकिन इनका बड़े अभिनेताओं के साथ नाम जुड़ भी चुका है, जिसमें रणबीर कपूर तक शामिल हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन कलाकारों के बारे में जानकर, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।